अस्सलामुअलैकुम। न्यूज प्लस के साथ मैं हूँ रुबाब बख्श। शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान की जानिब से आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण केस का जवाब आज जमा करवाया जाएगा। दफ्तर खारजा के मुताबिक कुलभूषण केस पाकिस्तान का जवाब दफ्तर खारजा के डायरेक्टर इंडिया फरीहा भुक्ती आलमी अदालत इंसाफ में जमा कराएंगी। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस तसद्दुक हुसैन 12 दिसंबर को आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मोहित के नमाज जनाजा विहाड़ी में अदा की गई, जिसमें हजारों शहरियों ने शिरकत की। नमाज जनाजा मारूफ आलिम दीन पीर मुराद अली शाह ने पढ़ाई। नमाज जनाजा के बाद शहीद का जस्ते खाकी लाहौर रवाना कर दिया गया। तदफीन लाहौर के केएलवी कब्रिस्तान में होगी। नमाज जनाजा में ब्रिगेडियर जवाद अहमद जका समेत दीगर पाक फौज के नुमाइंदे भी शरीक हैं। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान के जज्बात पहुंचाएंगे। तुर्की और रूस का कहना है कि अमरीकी ऐलान से पूरा खित्ता आग की लपेट में आ जाएगा। ओआईसी अरकान आज मकबूजा बैतुल मुकद्दस को इसराइली दारुल हुकूमत तस्लीम करने के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर करेंगे। वजीर आजम फलस्तीनी अवाम के लिए पाकिस्तान की जानिब से नुमाइंदगी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में शरीफ खानदान के खिलाफ हुदैबिया पेपर्स मिल्स रेफरेंस की समाअत आज मुसलसल तीसरे रोज होगी। गुज़िश्ता रोज अदालत ने सवाल उठाया था कि इसहाक डार का इतराफी बयान निकाल दें तो इस केस में नया क्या है, जबकि अदालत ने रिमार्क दिए कि हमारा साथ खेल ना खेलें, जुर्म बताएं सिर्फ बयान पर भरोसा नहीं कर सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान चार रोजा दौरे पर आज कराची पहुंचेंगे। सरबरा तहरीक इंसाफ आज ताजिरों से मुलाकात के साथ साथ पीटीआई रहनुमा के घर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और इमरान खान का करंगी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब भी मुतवक्को। इमरान खान 16 दिसंबर को शौकत खाना अस्पताल कराची के तकरीब में शिरकत भी करेंगे। सेनेट के चेयरमैन मियां रजा रब्बानी ने वाजे किया है कि पार्लियामेंट एक अमर को इक्तदार में आने का कोई रास्ता फराम नहीं करेगा। ये रिमार्क्स इन्होंने अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर शाही सैयद के बयान के बाद दिए, जिसमें इन्होंने हल्का बंदियों के कानून की मंजूरी में गैर मुतवक्को ताखीर पर तहफुजात का इजहार करते हुए कहा था कि इस अमल से इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं। वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा है कि दोनों ममालिक में अहम ताल्लुकात के बावजूद दिफा के मैदान में स्ट्रेटेजिक तावुन के मुआहदे नहीं हैं। ताहम दिफाई ताल्लुकात की मजबूती के लिए तावुन की तजवीज़ पेश करते हैं। वफाकी वजीर ने खादुमेन हरमैन शाह सुलमान बिन अब्दुल अजीज की सेहत और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी सी पैक के तवील मुद्दती प्लान LTP पर 21 नवंबर को दस्तखत किए गए और इसे 18 दिसंबर को आवाम के सामने पेश कर दिया जाएगा। इस मंसूबे की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है और आलमी मईशत में तेजी से तब्दीली आएगी। वजीर बराए तरक्की एहसन इकबाल का ऐलान।
महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से ही वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बूंदाबांदी का सिलसिला कुछ देर में थम गया था। हम आज शहर में कहीं तेज बारिश का इम्कान नहीं। शहर में इस वक्त दर्जे हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासुब 14% है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर कम करने से पेट्रोल और गैस महंगी हो जाएगी, इससे गुर्बत और इक्तसादी राहदारी समेत तमाम मंसूबों की लागत में इजाफा होगा। IMF और बरामद गंदगान के एमा पर रुपए को मजीद कमजोर न किया जाए। पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के मरकजी रहनुमा गयास अब्दुल्ला पराचा की मीडिया से गुफ्तगू। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरें शामिल करेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ